दिन पहले चला गया था, आ गया ना। आ रहे हैं बच्चे, जो इधर आएंगे मैंने तो चालू चालू के तो मैंने बोला ना, उसको ऐसा कर देंगे तो आप कुछ कर दिया करो। हेलो स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन रहे हैं स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कल से आप इस सिस्टम का ध्यान रखना, अपनी एक मीटिंग और होगी तो आप उस मीटिंग को लीव करेंगे। आप लीव करने के बाद में ही आप नेक्स्ट मीटिंग में आएंगे आप, ठीक है। सिस्टम धीरे धीरे आपको समझ में आ ही रहा होगा, वो थोड़ा हम भी समझ रहे हैं इस सिस्टम को। चलो यहाँ पर आ गए थे स्टूडेंट्स हम लोग, ये फंक्शन बन गया था आपका, ये टू फंक्शंस का कंपोजिशन है, वन एंड टू। तो इसका डेरिवेटिव जब हम लिखेंगे तो तब लिख सकते हैं जब ये एक्स के फॉर्म में आप इसको सोचते हैं। तो कोस एक्स सोच लीजिए, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स के रूप में सोचा ही है, सोचना ही है, लिखना नहीं है आपको, केवल फॉर्मूले के रूप में ले जाने के लिए हम एक्स सोचते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला बने। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स नहीं लिखना, लिखना वही है जो आपने एक्स के रूप में सोचा है। ओके, ये लिखना है इनटू। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आप जानते होंगे स्टूडेंट, ये देखो आप, आपने पढ़ा होगा ये टू फंक्शन का प्रोडक्ट है, लेकिन टू फंक्शन के प्रोडक्ट में क्या है, ये पाई बाई 180 है ना, ये कॉन्स्टेंट है, इसलिए कॉन्स्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव न करके ओनली आप वेरिएबल फंक्शन का करेंगे आप। आपने एक रूल पढ़ा होगा, आपको मैं याद दिला देता हूं, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है एपेक्स, याद कीजिए इस प्रॉपर्टी को आप। के एपेक्स है तो के इस एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, अगर ओनली के होता, एपेक्स नहीं होता, तो ये पूरा फंक्शन कॉन्स्टेंट हो जाता और इसका डेरिवेटिव जीरो ले लेते, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है क्योंकि ये एक्स पे डिपेंडेंट है, इस वजह से ये जीरो नहीं होगा। तो के को हम क्या ले लेंगे, डिवाइड बाय डीएक्स के आउटसाइड में ले लेंगे, क्योंकि ये डी एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे करेंगे स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव, ऐसे ओनली एफ एक्स का डेरिवेटिव किया जाता है। तो ठीक है, आप कॉन्स्टेंट है पाई बाई 180, आपका डेरिवेटिव तो होना ही नहीं है, इन टू एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वन वन, गुड। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए आप यहां से माइनस पाई बाई 180 साइन पाई अपॉन 180 एक्स, ये आंसर हो गया इसका। लेकिन इसका एक फाइनल आंसर और होता है, क्या आंसर होगा फाइनल देखो, माइनस पाई बाई 180 साइन, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ना, इसको वापस वो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना चाहता है। आंसर शीट में जाके देखेंगे ना, तो आंसर भी आपको डिग्री में ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि उसने डिग्री में ही तो दिया है, तो वो आंसर भी डिग्री में लेना पसंद करेगा। तो ये देखो एक्स डिग्री है, तो क्या पाई अपॉन 180 इंटू एक्स को हम एक्स डिग्री लिख सकते हैं? तो देख लीजिए आप, एक्स डिग्री इसके इक्वल ही तो है, तो इसको हम वापस से क्या लिख देंगे, एक्स डिग्री, क्योंकि हम डेरिवेटिव कंप्लीट कर चुके हैं, हम क्वेश्चन के फॉर्म में आंसर देना चाहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको और आसान कर सकते हो, कैसे, माइनस पाई अपॉन 180 है ना, वो 1 डिग्री के इक्वल होता है, कुछ कुछ जगह आपको मिलेगा ऐसे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आंसर मिला ही नहीं, कहाँ एरर आ रहा है, जबकि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है कि वो डिग्री के रूप में आंसर देना चाह रहा है, ऐसे दे देंगे, ठीक है। वैसे आंसर ये होना चाहिए, 1 डिग्री बहुत कम लिखता है वो, लिखा हुआ ये अच्छा लग रहा है ना, इसलिए ये आंसर होता है इसके अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, तो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, ओके। एक फंक्शन बोल लेते हैं हम लोग, लॉग लॉग
वाई के इक्वल हम ले लेते हैं और आपको आंसर देना है डी वाई बाई डी एक्स का। चलो डायरेक्ट आंसर देना है, आंसर दो। कौन देगा आंसर? चलो मोनिका शर्मा, मोनिका आंसर दो। मेरी आवाज तो आ रही है ना अब तक? मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, कौन बोल रहे हो, अपना नाम बताओ पहले। बोलो बेटा। अरे आप सबके सब म्यूट होके बैठे हुए हो तो आंसर कौन देगा? वेरी गुड नीतू, है ना? बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट आंसर ही हम लोगों को देना है। धीरे धीरे हम जितना जल्दी डायरेक्ट में आ जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, कि फाइनली में आना है, आज नहीं कल आना पड़ेगा, कल नहीं तो आपको परसों तक आना पड़ेगा, है ना? जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर जो फंक्शंस है वो सिंगल फंक्शन नहीं है, ये कुछ फंक्शंस का कंपोजिशन है, संयोजन है। इसको काउंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो 1/1 आपको डेरिवेटिव देना है, उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स लेना आप लोगों को। विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऐसे स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं इसको, हम लोग ऐसे लिख देते हैं, हम लोग विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऐसे लिखने का मतलब होता है, शॉर्ट में लिख दिया हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना? ऐसे शॉर्ट हम लिख सकते हैं इसको, फुल तो फुल लिख लो आप। आप देखिए, आप डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले स्टूडेंट्स किसका डेरिवेटिव लिखना है आप लोगों को? लो फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का। तो ये जो फंक्शन है कंप्लीटली एक्स की जगह है, उसको एक्स के रूप में आप ले लेंगे। आप ये एक्स है तो उसको लॉग एक्स पढ़िए आप, लॉग एक्स। और लॉग एक्स पढ़ते ही आप कहेंगे कि अरे इसका डेरिवेटिव मैं जानता हूं, क्या होता है? 1/x, 1/x। लेकिन x आप केवल फॉर्मूला बनाने के लिए ही लेंगे, लिखना आपको वही है जो आपने x माना है। हमने इसको x माना था तो ये आ जाएगा log x square। वेरी गुड। इनटू चैन रूल है, कोई आपसे पूछे इनटू कैसे आ रहा है तो उसको बताने के लिए आप शॉर्ट में बताओ चैन रूल लगेगा इसके अंदर, ठीक है? चैन रूल कैसे लगेगा? क्योंकि एक फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू पे सेकंड का इनटू थर्ड फोर्थ, और उसको पूरा एक्सप्लेन करना है तो यू वी डब्ल्यू ऐसे करके आप उसको स्टैंडर्ड फंक्शन में बना के आंसर दे सकते हैं। इनटू बताइए आप, अब ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, आप सेकंड पे आ जाइए, फर्स्ट को भूल जाइए। अब इस लॉग को देखिए, ये एक्स के रूप में ले लीजिए आप, लॉग एक्स है तो क्या हो जाएगा? 1/x log x square। गुड। फिर इंटू आ जाएगा, ये डेरिवेटिव हो गया, इसको भी छिपा लीजिए आप। अब ये log x square है, आपको log x के रूप में देख रहे हैं इसको, 1/x square। ये भी डेरिवेटिव हो गया, अब कौन बच गया है? x square। तो x square तो अपने आप में स्टैंडर्ड फंक्शन है ही ना? Yes। x की पावर n उसे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। अब आप x से एक x को कैंसिल कर देंगे तो आंसर तो हो ही गया इसको, जितना सिंपल कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्ट आंसर दिया है। अगर आप इसको प्रॉपर कंप्लीट मेथड से देना चाहते हैं तो आप कैसे देंगे? पहले इसको, ये फर्स्ट फंक्शन को नहीं मानना होता है, इसको मानेंगे सेकंड को। ये u हो जाएगा, यहां से आते तो u हो गया, फिर ये कौन हो गया? v। और फिर ये कौन हो गया स्टूडेंट्स? w। ऐसे हो जाएगा।
तो फर्स्ट फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू लॉग u, तो डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन u. सेकंड फंक्शन क्या बनेगा स्टूडेंट्स? लॉग v. u इज इक्वल टू लॉग v, तो du बाई dv वगैरह इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 अपॉन v. और क्या बनेगा? लॉग w. बनेगा नहीं बनेगा, तो 1 बाई w, और w इक्वल टू x स्क्वायर है तो वो 2x हो जाएगा. ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं. आप भी कोई क्वेश्चन बोल सकते हैं. कोई भी क्वेश्चन आप लोग यहां बोल सकते हैं. चलो देखो मैं बुक से देखता हूं कोई क्वेश्चन. थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन लेते हैं लोगों ने, जिसमें क्या है और प्रॉपर्टी भी लगती हो इसके अंदर. y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 10x. इसको देखिए स्टूडेंट साहब, अब आपको इसका डेरिवेटिव देना है डीवाई बाई डीएक्स. ये आंसर आपको देना है. किसके माइंड में आ रहा है कैसे आंसर देंगे इसका? इसमें मल्टीप्लाई है, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा. आप लोगों ने पढ़ा होगा u इंटू वी, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? टू टर्म में आंसर जाता है. क्यों जाता है? क्योंकि एक टर्म में इनमें से किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं हम लोग. अगर आपने u का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म में लिख लिया तो सेकेंड v को आप क्या लिखेंगे? एज इट इज लिखेंगे, जैसा है वैसा वैसा लिख देंगे, और प्लस करके सेकंड टर्म में इसका जस्ट उल्टा कर देंगे. डेरिवेटिव वी का लिखेंगे और एज इट इज में किसको लेंगे? यू को. याद आ रहा है आपको? याद दिला भी देता हूं आपको. बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि मल्टीप्लाई में चलते रहेंगे. तो यू डैश वी प्लस यू वी डैश, थ्री फंक्शन होंगे मल्टीप्लाई में, तभी प्रोडक्ट रूल ऐसे इस टाइप से लगता है. देखिए आप, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग. डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव इसको एज इट इज रखेंगे. यू है, ये वी है, तो अभी तो फर्स्ट हम इसका साइन डाल रहे हैं, अभी डेरिवेटिव लिख नहीं रहे हैं. एक बार हम साइन डाल लेते हैं किसका डेरिवेटिव करना है, किसको एज इट इज रखना है. ये एज इट इज में आ जाएगा प्लस. ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका जस्ट चेंज करके करेंगे हम लोग. अभी जो फर्स्ट फंक्शन था इसको एज इट इज रखना है आपको. कॉस क्यूब एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 10x. ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है अभी तक. तो अब बताइए आप, ये तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव ओनली इसका होगा. यहां पर एज इट इज रखते हुए इसका डेरिवेटिव होगा. लेकिन जब आप इसका डेरिवेटिव लिखने जा रहे हैं ना, तो ये डेरिवेटिव देखेंगे तो आप तो ओनली कॉस एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं. किसका डेरिवेटिव जानते हैं स्टूडेंट साहब? कॉस एक्स का डेरिवेटिव जानते हैं ना आप? तो आप थोड़े ना ये डेरिवेटिव जानते हैं, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव थोड़ी जानते हैं आप लोग, नहीं जानते ना. तो ये आपका कंपोजिशन है, फंक्शंस का कंपोजिशन है. कैसे? ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब को आप ले लीजिए यहां होल पावर में. अब आपको प्रॉपरली ये शो आउट होगा. देखिए आप, इसको कुछ समय के लिए आप एक्स सोचेंगे, एक्स क्या सोचेंगे इसको? एक्स. तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपने पावर में एक ही स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा है, एक्स के पावर में एन, एक्स रेज टू द पावर एन, वो फॉर्मूला पढ़ा है. पावर में और कुछ पढ़ा ही नहीं आपने फॉर्मूला. ठीक है, तो बताइए आप इसका. कॉस क्यूब है तो ये इसको एक्स ले लेंगे आप, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x square. और एक्स की जगह कॉस एक्स रखना पड़ेगा, जो है वही रखना पड़ेगा. ये तो हो गया एक्स क्यूब का डेरिवेटिव. लेकिन ये एक्स थोड़ी ना, अभी चैन रूल में इसका भी तो डेरिवेटिव होगा, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमने पावर का तो लिख दिया एक्स की पावर एन, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी बाकी है. ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा ध्यान से देना पड़ेगा. तो इसको एक्स क्यूब लो,
एक्स क्यूब, तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर या कोस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लेंगे इनटू, अब जिसको आपने एक्स माना है उसका भी तो डेरिवेटिव लोगे, हमने इसको कोस एक्स को माना है तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, वेरी गुड, माइनस साइन एक्स। और ये आपका एडिटिव फंक्शन है तो इसको आप कॉपी कर लीजिए प्लस, गुड, ये आपका एडिटिव चल रहा है, इसको भी ओनली कॉपी करना है। आप बताइए आप इसका ए के पावर में कौन है, टेन एक्स है, बताओ इसका डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड फंक्शन कब बनेगा, किसको एक्स माना जाए, यहाँ पर एक्स के रूप में लिया जाए, क्या सोच लेंगे हम लोग, x, x, तो क्या बना फंक्शन, e की पावर टेन एक्स स्क्वायर एक्स बन गया ना, और ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex बन गया, इसको x सोच लो एक बार के लिए, ex बन गया और ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है, लेकिन x के स्थान पे रखना वही है जिसको आपने सोचा है, इनटू जो एक्स के स्थान पर जो फंक्शन है जिसको आपने एक्स सोचा है, इनटू करके चैन रूल लगाएंगे तो टेन एक्स का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा इनटू सेक स्क्वायर प्लस, ये आंसर हो गया। इसको आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके फाइनलाइज कर लेंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और आप वैसे करेंगे यूवीडब्ल्यू तो काफी भारी पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसको अलग करना पड़ेगा, एक बार ये करके आंसर फिर इसका डेरिवेटिव अलग करना पड़ेगा, मतलब अपने आप में दो क्वेश्चन हो गए, यहाँ भी चैन रूल लगाना पड़ेगा, यहाँ भी चैन, यहाँ भी यू वी डब्ल्यू मानेंगे, यहाँ यू वी डब्ल्यू, लेकिन ये यू वी डब्ल्यू अलग है, ये अलग है, या तो इनको नाम अलग दे देना ताकि एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसमें, चलो बुक से लेते हैं कुछ क्वेश्चन, डिवाइड वाला ले लेते हैं हम लोगों से, बुक से क्या देख रहे, देखो कोई भी डिवाइड वाला ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू log x स्क्वायर नहीं लेंगे यहां पर, log cos x अपॉन sin x, sin x स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव लेना है भाई, dy by dx, तो आप जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है u अपॉन v का, u अपॉन v क्वोशेंट रूल, डिवीजन रूल, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप डेरिवेटिव फर्स्ट किसका लेंगे, u का, u डैश, v को एडजेक्टिव लेंगे, माइनस आएगा u v डैश अपॉन v स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो सबको लर्न होना चाहिए भाई, जिसको फॉर्मूला लर्न नहीं होगा ना उसको तो प्रॉब्लम होने वाली है फिर, है ना, क्योंकि यहीं से सब कुछ आंसर देने वाले हम लोग। चलो अब हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, पहले हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड बाय डीएक्स इज इक्वल टू, ये यू है ये वी है, तो आपको इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, इसको एडजेक्टिव रखना पड़ेगा, तो हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स इंटू एजिटिस में कौन आ जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर माइनस, ओके स्टूडेंट्स, अब चेंज करना पड़ेगा डेरिवेटिव इसका होगा ये एजिटिस होगा, तो एजिटिस में रख देते हैं हम लोग log cos x और डेरिवेटिव होगा किसका, साइन एक्स स्क्वायर, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है स्टूडेंट्स, बोलते नहीं आप, एक तो देखो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हम लोगों को, ठीक है ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि तो एज इट इज हो गया, सबसे पहले आप देखेंगे लॉग का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद में कोस का होगा, इसको लॉग एक्स के रूप में आप सोचकर
स्टैंडर्ड फंक्शन के रूप में लेकर आप उसका डेरिवेटिव लिखेंगे लॉग एक्स, एक्स सोचिए इसको आप, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, लेकिन एक्स की जगह कोस एक्स है तो कोस एक्स इन टू चैन रूल लग रहा है अभी तो। अब जिसको आपने एक्स लिया है वो कौन है कोस एक्स, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स इन टू ये एज इट इज रखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर माइनस लॉग कोस एक्स, ये भी यू का यू कॉपी हो रहा है। अब यहां डेरिवेटिव होगा किसका साइन एक्स स्क्वायर का, अभी आंसर आप देंगे टू साइन एक्स टू एक्स, क्या बताया बेटा वन बाई स्टे बाई डायरेक्ट आंसर मत दो साइन एक्स स्क्वायर टू फोर एक्स साइन एक्स स्क्वायर टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर फोर फोर एक्स साइन एक्स फोर एक्स साइन एक्स यस सर नहीं ये तो गलत है, फोर तो कहां से आएगा इसमें, फोर कहां से आएगा बताओ, फोर तो कहीं बन ही नहीं रहा सर, टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर टू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। हाँ आराम से, तो क्या तुम डायरेक्ट सारा आंसर दे रहे हो, एक बार देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप। पहले हम डेरिवेटिव किसका लिखेंगे साइन का, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है वो साइन है फर्स्ट, सेकंड कौन है एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं जानते हम लोग, तो ऐसा करो एक्स स्क्वायर को एक्स के रूप में लेकर फिर डेरिवेटिव बोलो, अगर एक्स स्क्वायर को एक्स के रूप में लेंगे तो फंक्शन क्या बना साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा आपको एक्स स्क्वायर इन टू, अभी चैन रूल चल रहा है। अब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो एक्स स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा 2x। अभी आपका आंसर हो गया है, आप इसको कैंसिल करके जैसे भी कुछ करके कर लो आप इसको, फाइनल आंसर हो गया ठीक है आपका। ओके एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछ ले, लाइव क्लास का यही तो फायदा है सर। वन क्वेश्चन लोग लोग क्वेश्चन है सर एक, नहीं नहीं मेरे पास बुक नहीं है बेटा है ना, मैं बताती हूँ क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बोलो। लोग हाँ लोग कोष्टक लोग ब्रैकेट हाँ ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई वन 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 हाँ वन वाई, तो अगला टॉपिक होगा हमारा वन अपॉन 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 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन ठीक। ओ सर ये थीटा है मतलब पूरा कोस, ये मतलब पूरा डिवाइड वैसे नहीं है लोग के अंदर ही है ये सब, ये पूरा ब्रैकेट में है क्या पूरा ये वाला, हाँ ये सब ब्रैकेट में, अच्छा पूरा ऐसे है ये ऐसे करके ना, अब एक बार देख लेना क्वेश्चंस को आप, ऐसे होगा ऐसे है क्या, यस सर। ओके गुड, देखो इसका आंसर कैसे दिया जाना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, ये भी क्या है कुछ फंक्शंस का कंपोजिशन है, जनरल होता तो लॉग एक्स होता है ये, और लॉग एक्स तो आप जानते हो इसमें कंपोजिशन है ही नहीं, ये तो डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड फंक्शन है डेरिवेटिव 1 / x हो जाता है ठीक है। आप देखिए आप इसको कैसे करेंगे इसको, या तो आप प्रॉपरली पूरा रास्ता लीजिए इसको, आप जैसे u मान लिया फिर इसका डेरिवेटिव अलग करिए है ना, नहीं फंसना चाहते हो तो आप इसके अंदर, लेकिन हम आराम से डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया या आपका सेकंड फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंक्शन कौन है यहाँ पर लोग, और सेकंड फंक्शन ये है जो एक्स की जगह पर है,
जो एक्स की जगह पर है वो आपका सेकंड फंक्शन हो गया है, ठीक है, जो यू अपॉन वी के रूप में होगा। इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो ये यू हो गया और ये वी हो गया, टू फंक्शन का डिवीजन है। लेकिन जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तब यू अपॉन वी नहीं लगेगा, लॉग एक्स है ये, तो मैं इसका डेरिवेटिव बोल रहा हूं, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, इस पूरे को क्या सोच लेंगे आप लोग, एक्स। इस पूरे को एक्स क्यों सोचेंगे, क्योंकि लॉग एक्स ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन बन गया और उसका डेरिवेटिव हम जानते हैं, इस वजह से हमने एक्स सोचा है इसको। नहीं सोच रहे हो तो आप इसको भी एक्स सोच लो, फिर इसको मत सोचो, फिर तो आप डेरिवेटिव बता ही नहीं सकते ना। तो ये जो कंप्लीटली है उसको हम एक्स के रूप में सोचते हैं, तो फिर ये स्टैंडर्ड फंक्शन बन जाता है लॉग एक्स। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव बोलो, वन अपॉन एक्स होता है, एक्स जिसको आपने लिया है वो रखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू, ये लॉग का डेरिवेटिव वगैरह, लॉग का लॉग एक्स वन अपॉन एक्स, ये आ गया यू का यू, ये पूरा आ गया, चेंज होकर ऊपर आ जाएगा बाद में ये, तो ये डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अब किसका डेरिवेटिव लिखेंगे हम, सेकेंड फंक्शन का, इसका लिखेंगे हम। अब लॉग को भूल जाइए आप, ठीक है, एक बार मैं शो कर देता हूं किसका डेरिवेटिव लिखेंगे। देखो आप, अब डेरिवेटिव लिख रहे हैं हम इसका, केवल हम इसको शो कर रहे हैं कि ये डेरिवेटिव लिखना है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन आप एक बार समझने के लिए, ये लो लॉग का डेरिवेटिव ऑलरेडी लिख दिया हमने, अब ये जो जिसको हमने एक्स लिया था उसका डेरिवेटिव अभी लिखना बाकी है, हमने साइन दे दिया है, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लो, ये यहाँ अपसाइड में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू यू अपॉन वी से। यू अपॉन वी में क्या करते हैं हम लोग बताइए आप, पहले हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। देखो मैं शॉक कर रहा हूं, यहां पर डेरिवेटिव होगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, एज इट इज में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन यू अपॉन वी, याद करिए आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव, और v एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस में क्या होगा, ये एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डेरिवेटिव होगा v का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये लो, और अपॉन v स्क्वायर होता ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ये हमने इसको एक फॉर्मूला का रूप दे दिया है, लास्ट 10 मिनट है, 10 मिनट में हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो आप राइट कर लीजिए, यू का यू, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू, अब देखिए आप इसका डेरिवेटिव बोलना पड़ेगा। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक एलजेब्रा पढ़ा था कि अगर दो या दो से अधिक फलन योग और अंतर में हो तो आप सबका डेरिवेटिव अलग अलग करते हैं और योग ले लेते हैं, योग है तो योग माइनस माइनस प्लस, सॉरी अंतर है तो अंतर का ले लेते हैं हम, तो इसका डेरिवेटिव अलग होगा प्लस इसका डेरिवेटिव अलग इसका अलग। तो लिखिए आप बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन प्लस जीरो, जीरो, टू एक्स प्लस वन प्लस जीरो, ओके, और ये एडिटिव आएगा या आएगा, ये लो माइनस एडिटिव आ जाएगा ये वाला। अब इसका डेरिवेटिव बोलिए, टू एक्स माइनस वन जीरो, टू एक्स माइनस वन प्लस जीरो, प्लस जीरो को मतलब है नहीं, ये इसका आंसर आ चुका है। अब आपको थोड़ी सी कुछ कैलकुलेशंस है, डेरिवेटिव के हिसाब से आंसर आ गया, डेरिवेटिव कर लिया हमने, अब कुछ कैलकुलेशंस है, जैसे कैलकुलेशन, जैसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहता है, कुछ कैलकुलेट होना चाहता है, कोई कॉमन आना चाहता है ना, ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ टर्म्स कटेंगे करेंगे, फाइनल आंसर आप लोग इसमें दे लेना, ठीक है, ओके, ये टॉपिक हो गया। और बताओ एक क्वेश्चन और पूछ सकते हो इतना ही टाइम है हमारे पास। सर मेरी तरफ से ये आपका जो है, हाँ बोलो बेटा, रूट लॉग
कोष्टक साइन कोष्टक एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस वन कोष्टक वन। एक बार वापस लोग, रूट लोग कोष्टक साइन साइन लोग साइन कोष्टक साइन यस सर कोष्टक कोष्टक एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस वन माइनस वन यस ठीक है यस सर ओके वाई इज इक्वल टू बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा इन्होंने ठीक है। देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको वापस से रिवाइज करता हूं। जब हमने स्टैंडर्ड फंक्शन को पढ़ना स्टार्ट किया था तो ये हमारा एक फॉर्मूला था x रेस टू द पावर n वाला n x n माइनस वन। फिर वहां पर हमने एक स्पेशल फंक्शन लिया था रूट x का, इसी से सॉल्व होगा ये। x की पावर 1 बाई टू है, रूट का मतलब है उसकी पावर क्या है 1 बाई टू। जब पावर 1 बाई टू लेकर यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फाइनली जो डेरिवेटिव आया था वो आया था 2 रूट x 1 अपॉन 2 रूट x। वेरी गुड। और कहा गया था कि आप इसको लर्न कर लेना, क्यों? क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे, उससे टाइम बचेगा। क्योंकि अगर मैं लर्न नहीं करूं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मास्टर फॉर्मूला तो आपके पास है ना, ये मास्टर तो यही है, इसे कर लेना। आपका कुछ सेकंड्स है ना या मिनट्स ज्यादा लग जाएंगे और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आप भी दे सकते हैं। चलो हमारे पास ये फॉर्मूला लर्न है, मान लीजिए है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये देखिए आप, यहाँ जो फर्स्ट फंक्शन है वो रूट ही है। फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? रूट। ये रूट है, इस पूरे को आप क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। पूरे को एक्स सोचिए आप और बोलिए रूट एक्स। क्या बोलेंगे आप? रूट एक्स। तो देखो मैं इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले मैं कंप्लीट का डेरिवेटिव लिखूंगा, कंप्लीट का रूट एक्स का। ठीक है, बताइए रूट एक्स क्या होगा डेरिवेटिव? 1 अपॉन 2 रूट एक्स। वेरी गुड, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। लेकिन एक्स में लिखूंगा भाई जो मैंने यहां पर लिया है, ये रूट का डेरिवेटिव हो गया, ओनली इस रूट का। इसके अंदर हमने एक्स माना था और एक्स सोचकर हमने इसका डेरिवेटिव लिखा है एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस वन। ये रूट का डेरिवेटिव हम लोगों ने लिख दिया। एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, ओके, इन टू रूट का डेरिवेटिव हो गया। अब आप रूट भूल जाओ, ऐसे सोचिए रूट है ही नहीं, जैसे ये लो, अब रूट का डेरिवेटिव हो गया, रूट तो है ही नहीं ना, ऐसे समझिए आप इसको, रूट नहीं है इसके अंदर। अब आप लॉग का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन आ गया आपका, फर्स्ट रूट था सेकंड लॉग, इसको एक्स सोचिए आप, तो लॉग एक्स हो गया और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। तो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस वन हो गया। अब आप लॉग को भी भूल जाइए, लॉग भी भूल गए हम तो, हटा दिया लॉग को भी, अब इंटू करिए, किसका डेरिवेटिव बोलेंगे आप? साइन का, लेकिन इसको एक्स सोचना पड़ेगा आपको, बोलो माइनस कोस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री माइनस वन इनटू, अब साइन को भी भूलो, इसका डेरिवेटिव बोलना पड़ेगा। अब ये जो फंक्शन है वो टू टर्म में, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों के बिटवीन क्या है? माइनस। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर माइनस है इसका डेरिवेटिव अलग लिखेंगे और माइनस करके इसका डेरिवेटिव अलग, तो ब्रैकेट बना लेते हैं हम लोग ताकि गलती नहीं होगी। बताओ 1/3 को तो अलग कर दो, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बोलो 2x और माइनस 1 का 0, ये आंसर हो गया। पहले हमने रूट का डेरिवेटिव लिखा, रूट के बाद में बना लोग, वापस कर देता हूं मैं इसमें, ये साइन था देखो साइन, फिर इसके बाद कौन था? लॉग, ऐसे कुछ तरह ये, और पूरे पे रूट था। और रूट का मतलब यूं समझ लीजिए आप, ऐसे पावर है ये,
ऐसे है ये 1/2। तो पहले हमने फॉर्मूला लगाया कौन से वाला, एक्स टी पावर एन वाला, ये पूरा एक्स है और एक्स टी पावर क्या है एन है, ये वाला फॉर्मूला लगाया तुमने, डायरेक्ट लर्न कर रखा था रूट है, इसको रूट एस डायरेक्ट कर दिया। आप चाहते तो ऐसे कर सकते हो, एक्स रेज टू द पावर एन तो 1/2 है, तो पहले फॉर्मूला ये लगाओ एक्स टी पावर एन वाला, फिर इसको कट कर दो भाई आपका डेरिवेटिव हो चुका है, फिर लॉग वाला लगाओ, ये एक्स हो गया पूरा लॉग एक्स का, ये डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर साइन पे अप्लाई करो डेरिवेटिव, फिर उसके एंगल पे अप्लाई कर देंगे आप, इसको जितना आप सिंप्लीफाई कर लेंगे आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछे तो है, अभी 2 मिनट है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। 2 sec x सर मैम पर्सन, हाँ हाँ बोलिए, 2 sec x sec x प्लस cos 2 ex कोष्टक 1 कोष्टक 10x कोष्टक 10s अगर मल्टीप्लाई में, हाँ ऐसे देख लो एक बार, यही है ना, हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये इनटू में आ गया ना ये पूरा, ये और 2 तो आप बाहर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको y के इक्वल ले लीजिए आप। अब इसका डेरिवेटिव तो काफी सिंपल है क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन से ही है। तो देखो भाई इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये x पे डिपेंडेंट नहीं करता, तो इसको तो आप इसके आउटसाइड में ले लेंगे, ओनली डेरिवेटिव किसका लिखेंगे आप sec x का, और sec x तो स्टैंडर्ड फंक्शन है, sec x तो अपने आप में क्या स्टैंडर्ड फंक्शन है, क्या होता है sec x का डेरिवेटिव, sec x 10x गुड sec x into 10x प्लस 2 को बाहर ले लीजिए और आप इसको डेरिवेटिव लिखेंगे। एक बार मैं इसको शो कर देता हूँ, अगली स्टेप में इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। 2 को मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है ना, x पे डिपेंड नहीं करता तो मतलब ही नहीं है। अब ये इंटू है, अब ये u है और इंटू v है, u इंटू v अप्लाई करेंगे इस पर, तो देखो टाइम कम है, u इंटू v अप्लाई करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ex का, ex हो गया, इसको एजेटिस रखना है तो 10x हो गया, प्लस अब इसको एजेटिस रखना है फर्स्ट को ex, 10x का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा sec square x, और ये फर्स्ट टर्म यू का यू कंटिन्यू कर जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा इस। ठीक है।